हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आप लोग सोचते होंगे कि इतने अंधेरे में, इतनी रात में मैं किधर? एक्चुअल अभी मेरे बच्चों का अचानक से प्रोग्राम बन गया कि मामा हम लोगों ने बबल टी पीनी है और KFC जाना है। तो वो यूँ ऐसा है कि यहाँ से बहुत दूर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कैसे जाएंगे और क्या होगा, क्योंकि ईजी है, अप्रोचेबल है सारा कुछ, यहाँ पर नज़दीक नज़दीक चीज़ें हैं। या तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी। ये देखे मैंने हेयर शर्ट पहना, स्कार्फ लिया हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे बच्चों ने भी देखे जैकेट्स पहनी हुई हैं। तो बस थोड़ा बहुत आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी जब बबल टी लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है? मैं आपको बाहर का मंजर दिखाती हूँ, देखिएगा कितना अंधेरा है, ठीक है? स्टे विद मी। चलो ये देखिए जी, अभी रात है, रात नहीं है, शाम है, लेकिन क्योंकि विंटर है तो इसलिए जरा अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो अभी 6 o'clock हुए हैं, लेकिन दिखने में लग रहा है जी कि अभी रात हो गई है। तो इसी रात बाहर निकली हैं मेरी बेटियाँ, देखिए इस वक्त किधर जा रही हैं, बचाओ। चलो जी, ये दोनों भी वॉक करेंगे। तो अभी हम लोग वो सामने हमारा बस स्टॉप है, तो 3rd stop पे हम लोग उतर जाएंगे, वहाँ से बबल टी लेके, KFC लेके और फिर घर आएंगे, ठीक है जी? तो चलिए स्टे विद अस और फिर मैं आती थोड़ी देर के बाद। चलिए जी, ये देखिए अभी हम हैं बस स्टॉप पे और बस आने वाली है, मैंने भी टाइम चेक किया है। तो जैसे ही बस आती है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी? तो स्टे विद मी और मैं फिर आऊँगी जब बस आ जाएगी। देखिए ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए बच्चों को दिखाती हूँ, यहाँ पर ये देखें, ये वही जगह जहाँ पर सुबह मैं बच्चों को स्कूल भी छोड़ने आती हूँ जब बस पे जाती हैं। और यहाँ पर सब ये दोनों बहनें खड़ी हैं, और ये है जी हमारा पार्क जो इस वक्त अंधेरे में डूबा है। चलो ठीक है। और ये पूल है, वहाँ पर फाइबर करो, मुझे बता दी कि मामा देखे वहाँ पर फाइबर करो। चले मिलूंगी फिर आप लोग से। बस से उतरे तो यहाँ से हम वॉक करके जा रहे थे बबल टी लेने के लिए, और साथ ही KFC था। तो क्योंकि क्रिसमस के दिन आ रहे हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी रौनक है इस वक्त भी, और बहुत अच्छा लग रहा था। अब जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट्स एवरीवेयर, तो हम लोगों ने तो यहाँ बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद जी मेरी बेटे कहते हैं मम्मा बिफोर वी गो टू बबल टी हम लोगों ने सुपर डक जाना, तो जी हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पर इन्होंने कुछ चेकअप वगैरह किया, जो भी ये देखती है, क्योंकि जब ये छोटी भी थी तो यहाँ आती थी तो ऑल मेकअप, यू नो जो टेस्टर होते हैं वो ये अपने हाथों पे, अपने ये ना कलाई पे लगा के देखती थी और खुश होती थी। तो सेम एग्जैक्टली वही हैबिट इनके बीवी है, जब भी आएंगी सारा मेकअप देखेंगी कि वाओ इस लुक ब्यूटीफुल। तो मैं वही कहती हूँ भी आप लोगों का टाइम नहीं आया। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला एक्चुअल मैंने TikTok शॉप से बाय किया था। यहाँ पर इस क्वाइट एक्सपेंसिव, पर TikTok शॉप से मुझे थोड़ा चीप मिल गया था, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है, जो TikTok शॉप से मैंने खरीदा था, ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो यहाँ पर जी हम कलर डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कौन सा कलर लूँ। तो एनीवेज इतनी चॉइस होती है कि बंदा सोचता है यार क्या लूँ क्या ना लूँ। और वैसे भी आपको पता है एशियन जो हेयर है ना उनका थोड़ा सा डिफरेंट है, टेक्स्चर होता है, इतनी जल्दी कोई कलर उसको होल्ड नहीं कर सकता। इसके बाद बबल टी भी आ गए, यहाँ पर ये लोगों ने बबल टी ली, तो इनका ये वाले आइसक्रीम खाने को भी दिल कर रहा था, तो मैंने बोला अपनी बेटी को ले लो, लेकिन क्योंकि छोटी वाली का थोड़ा जो था सोर थ्रोट था, तो कहती नहीं मामा नॉट दिस टाइम नेक्स्ट टाइम। तो एनीवेज इनकी जो आइसक्रीम है ये जो है ये भी बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, और इनकी बबल टी है वो भी अच्छी है, दे आर गुड। आई थिंक ये है डिज़र्ट स्टूडियो है यहाँ पर,
बार्किंग में, तो ये अच्छा है, यहाँ पर अच्छी बबल टी मिल जाती है। और ये है कि बच्चे मेरे पसंद भी करते हैं, और दूसरी ये है कि बिल्कुल घर के पास है, इतना वो ऐसे मसला नहीं होता कि मैं वहाँ जाऊँ और इल्फ वगैरह जाऊँ तो लेके आऊँ। तो बस ये सब दिखाने का आपको मकसद था कि आई मीन, जैसा कि मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि मैं बच्चों के लिए, बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं बच्चों को लेके जी यहाँ पर आई। तो सॉरी, मेरे फ़ोन में मैसेज आया इसलिए टिन 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 हो गया। एनीवेज, तो बच्चों को लेके आप लोगों को ना इस तरह बाहर, हमें ना बच्चों को लेके निकलना चाहिए, क्योंकि इस तरह इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, यू नो, क्योंकि इनको ये होता है कि एक वो जो होती है ना, एक अर्ज जो होता है कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, तो इस तरह ये बच्चों की सारी जो छोटी छोटी उनके अंदर जो होता है ना कॉम्प्लेक्स, वो चले जाते हैं। और यकीन माने कि जब ये ग्रोन अप होते हैं तो इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होता है कि ये आई मीन, कोई इनमें वो नहीं रहता कि मेरे पास ये नहीं था, मैंने ये नहीं बचपन में किया। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बेटियों के इस चाइल्डहुड को, यू नो, मैं इतना मेमोरेबल बना दूं और इतना मतलब इनके लिए कर दूं कि जब ये बड़ी होती हैं, इनमें कोई वो ना रहे कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। यू नो, एज जैसे आप लोग भी सारे पेरेंट्स हैं, आप लोगों का भी यही होगा कि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करें। तो हर पेरेंट्स का ये होता है कि अपने बच्चों के लिए उनको अच्छा ज़िंदगी की हर सहूलत मुहैया करें। ठीक है जी, तो इन्निया ज़्यादा मैं थानू तकरीर करनी है ना, तुम लोगों ने कहा ना कि आए हाय बाजी और अंत वेखी ना, तो चंगी गल है। लेकिन मेरा जो मकसद होता है ना, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ मोटिवेट करना चाहती हूँ सबको जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये मैं उनके लिए ही करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि वन ऑफ माई फ्रेंड कहती है कि बी रियलिस्टिक, के जो भी अब घर में हो जैसे भी वैसे ही वीडियो बनाया करो। तो एक्चुअल मैं इसमें हूँ कि मुझे मैं सिटिंग रूम तो शो करती हूँ, किचन शो करती हूँ, आउटसाइड कॉरिडोर, बट बेडरूम्स में जाके वीडियो बनाना आई डोंट लाइक इट, यू नो। तो ये पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं, बेडरूम से जा के वीडियो बनाना और ये करना, है ना। तो इसलिए मेरा जो ज़्यादातर मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरी वो आउटिंग की होती हैं, जब मैं बाहर निकलती हूँ, डिफरेंट जगह पे जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, या यू नो कुछ भी करती हूँ बाहर निकल के। तो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। तो बस मेरा मकसद यही है कि मैं मतलब आउटिंग पे जब जाऊँ तो मैं आप लोगों को वो सब दिखाऊं, क्योंकि घरों में तो यार सबके घर एक जैसे हैं, खूबसूरत होते हैं, घर तो जन्नत होती है, यू नो, सब घर, किसी का घर खूबसूरत है। बट यू नो, जैसे कुछ लोग हैं, मेरे इंडियन फ्रेंड हैं, यू नो, पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेश, कहीं भी हैं मेरे फ्रेंड्स, या आउट ऑफ कंट्री हैं कहीं, यहाँ पर यूरोपियन कंट्री में, तो मेरा होता है कि चलो मैं उनको यहाँ पर दिखाऊँ यूके किस तरह हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, हम कैसे रहते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें कैसी हैं। ठीक है जी, तो बाहर वीडियोस बनाने का मेरा यही मकसद होता है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि बस घर पहुंच के बस से उतरे, अभी वॉक कर रहे हैं टूवर्ड्स होम। तो आई होप कि आप लोगों ने आज का ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ जाने से पहले, अभी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इफ़ यू कैन तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, दैट वुड बी रियली रियली अप्रिशिएटेड। और मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से आऊँ। और हाँ, आने वाले वीडियोस अब आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि उसमें क्रिसमस की प्रिपरेशन है, वो मैं क्रिसमस सेलिब्रेट जो हम करेंगे उसकी सारी डेकोरेशन करूँगी, घर को थोड़ा सा सेटअप करूँगी, और फिर आप लोगों के साथ सबको शेयर करूँगी। ठीक है जी, तो प्लीज़ मेरे साथ रहें और मेरे साथ इसी तरह सपोर्ट करते रहें। चलिए जी, ये देखें, घर की तरफ वॉक कर रही हूँ, बैग्स मेरे हाथ में आ रहे हैं, क्योंकि टेस्को पे भी रुकी थी, टेस्को से भी कुछ लेना था, तो वहाँ रुक गए, वहाँ से लेके तो बस अभी घर जाऊँगी। और बस जी, हैट मैंने पहना है क्योंकि मैंने शावर किया था, तो ऑफकोर्स यू नो ठंड ठंड ना लग रही, इसलिए फिक्र ही रहती है ना अपनी। तो ठीक है, तो देख ले मैं हूँ ना फिर सुपर मॉम, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बाहर आऊँ, बट मेरे बच्चों ने कहा कि मामा वी आर गेटिंग बोर्ड, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, बच्चों को बोर नहीं होने देना। तो देन आई मोटिवेट माई सेल्फ कि चलो गेट अप गेट अप गेट सेट रेडी, और रेडी होके मैं अपने बच्चों को बाहर लेके आई। ठीक है जी, तो चले इसी तरह रहे, अपने को मोटिवेट करके रखे कि आप लोगों ने कुछ करना है। ठीक है जी, तो चलो कार आने वाले, फिर घर जाके बात करते हैं। ठीक है जी।
जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी हमने KFC से क्या बाय किया, तो ये देखिए जी, हमने KFC से बाय किया। अब मैं मज़े ले लेके खाऊंगी और आप लोग मेरा मुंह देंगे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। बी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू।